आज चलिए परवल का चोखा शेयर करते हैं आप लोग के साथ। तो आज हमारे किचन में परवल का चोखा बना है, तो इसके लिए 8-10 परवल लेंगे। इसे हम गैस चूल्हे पे अच्छे से पका लेंगे, साफ़ कर लेंगे इसे। उसके बाद एक जार लेंगे और उसमें हम इसे रख के इसे दरदरा होने देंगे हम। इसके बाद इसको दरदरा हम पीस लेंगे। उसके बाद हम एक पैन में तेल रखेंगे, सरसों तेल, कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च और साथ में प्याज डालेंगे और इसे हम तेज आंच पे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा प्याज पकाएंगे नहीं। अब हम जो पीसे हुए परवल थे उसमें डाल देंगे पके हुए प्याज को। अब इन सब चीज़ को मिक्स करके नमक डालेंगे हम, फिर मिलाएंगे। उसके बाद इसमें आधी कटी हुई हम नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो ये रही, किस किस को मुंह में पानी आ गया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।